वायनाड भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 414 के पार, लापता लोगों की तलाश जारी। लैंडस्लाइड में बिहार के 4 लोग लापता, 138 लोगों की मिसिंग लिस्ट जारी। वायनाड में भूस्खलन के बाद अब भी सर्च ऑपरेशन का अभियान जारी। सेना एसओजी और वन अधिकारियों की एक विशेष टीम का सनराइज रैली में तलाशी अभियान। 10 अगस्त को वायनाड जाएंगे पीएम मोदी, भूस्खलन प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। हिमाचल में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में लैंडस्लाइड, 100 से ज्यादा सड़कें हुई बंद। हिमाचल आपदा में अब तक 22 लोगों की मौत, लापता लोगों को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। मौसम विभाग ने तेज बारिश का जताया अनुमान, कांगड़ा, सिरमौर, चंबा, शिमला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। कर्नाटक के कलबुर्गी में जिले में उफान पर भीमा नदी, बढ़ते जलस्तर के चलते पानी में डूबा पुल। हरिद्वार के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिल राहत। जम्मू में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव, धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश से जल भराव, दरहाली नदी भी उफान पर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, कई सड़कें हुई जलमग्न। असम के गुवाहाटी में बारिश होने से भरा पानी, लोगों को आने जाने में हुई दिक्कत है। लगातार बारिश से असम में बिगड़े हालात, कई इलाकों में भरा पानी, स्थानीय लोगों को हुई काफी परेशानी। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से खतरा मंडराया, नदी किनारे निचले इलाकों में पानी भरा। यूपी के वाराणसी में भारी बारिश के बाद बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, कई निचले इलाकों में भरा पानी। यूपी के गाजियाबाद में हुई तेज बारिश, धीमी पड़ी ट्रैफिक की रफ्तार। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश का ट्रैफिक पर पड़ा असर, सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। राजस्थान के पाली में लगातार बारिश के बाद जल जमाव, लोगों के घरों में घुसा पानी। राजस्थान के जयपुर और भरतपुर में हुई भारी बारिश, मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट।